हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। एक गुड न्यूज़ है, एक नया जो है कैमरा मैंने अपने किट के अंदर जो है इंक्लूड किया है वो है ये DJI Pocket 2 क्रिएटर कॉम्बो। ये कैमरा जो है रिसेंटली परचेज किया है, बड़े ही अमेजिंग फीचर्स हैं इसके अंदर। केयर करते हैं कितने में परचेज किया है, कहाँ से परचेज किया है और इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको देख कर ये कैमरा मुझे परचेज करना पड़ा। ये है वो कैमरा। सबसे अच्छी चीज़ जो इस कैमरे के अंदर है वो है ये इतना इतना छोटा सा ये कैमरा है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में आ रहा है, इतना सा ये कैमरा है। इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी यही है कि तो इसको कैरी करना बड़ा इजी है। अब DSLR के साथ इशू ये था कि आउटडोर शूटिंग पे एक तो इतना हेवी भारी कैमरा है, उसको लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उसके लिए कैमरामैन चाहिए जो कैमरा होल्ड करे, और तो बड़ी परेशानी होती थी उसके साथ। लेकिन ये कैमरा जो है इतना छोटा है कि इसको अब हाथ में पकड़ के जब काम हो जाए तो उसको पॉकेट में डाल दें, इसीलिए इसका नाम जो है वो पॉकेट है। DJI Pocket 2 रखा गया है क्रिएटर कॉम्बो। बस इस कैमरे के साथ जो इसका जो कवर आता है ये हार्ड है। इस कैमरे को जब एक बार आपने इस कवर के अंदर डाल दिया तो फिर ये इतना मजबूत हो जाता है कि इसके ऊपर आप बैठ भी जाओ तो फिर इस कैमरे को कुछ नहीं होता। तो इसके साथ ही आता है, तो ये चीज़ें जो है बड़ी काम की हैं। जब हम बाहर आउटडोर पर जाते हैं शूटिंग वगैरह के लिए तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काम की हैं। यहाँ बाहर मैं आउटडोर में आ चुका हूँ और यहाँ पे आजमा कर आपको चेक करवाता हूँ। उसकी तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह भी हम बनाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा का कैसा रिजल्ट है। अभी जो वीडियो बन रहा है ये जो है वो Pocket 2 से ही बन रहा है। इसकी क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है ये भी बताइएगा। ये जो कैमरा है DJI Pocket 2 क्रिएटर कॉम्बो, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगा। इसके अंदर मज़ीद क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो है वो 3-axis का गिम्बल भी इसके अंदर मौजूद है, यानी आप इससे मज़ीद और सिनेमैटिक वीडियोज़ बना सकते हो। इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कमाल की है। अभी जो ये वीडियो है मैं इसी से जो है मेरे हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है और इसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप जो है इसके अंदर 4K अल्ट्रा HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी जो वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो कमाल की जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। वीडियो मोड से अगर आप बात करें तो इसके अंदर आप वीडियो बना सकते हो, HDR वीडियो, टाइम लैप्स, मोशन लैप्स और हाइपर लैप्स की जो है इस तरह की वीडियोज आप ले सकते हो। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसको आप 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ऑपरेट आप कर सकते हो। कम से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इस कैमरे को आप जो है आराम से ऑपरेट कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग टाइम जो है, जो मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन चेक की तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि 140 मिनट तक आप इसको कंटिन्यू जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हो इसको फुल चार्ज करने के बाद। अब इसको हम आजमाएंगे, इस्तेमाल करेंगे प्रॉपरली तो फिर हमें इसकी एग्जैक्ट जो है वो टाइमिंग पता चलेगी। तो हम डिटेल रिव्यूज़ के बारे में मैं दूंगा तो उसमें आपको मैं इसकी डिटेल भी दे दूंगा। और चार्जिंग टाइम जो लिखा हुआ था, चार्जिंग टाइम जो है वो 73 मिनट्स जो है के अंदर ये पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसके अंदर और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे एक्टिव ट्रैक 3.0 इसके अंदर है। अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा 8x जूम है और हाइपर लैप्स भी इसके अंदर मौजूद है, जिसकी मदद से आप जो है वो फुल सिनेमैटिक फुटेजेस जो है वो कैप्चर कर सकते हो। और इसके अंदर जो है जो मेमोरी कार्ड यूज होता है वो है माइक्रो SD। वो ऑर्डिनरी मेमोरी कार्ड जो
मिल रहा होता है जो मोबाइल के अंदर यूजुअली हम लोग यूज करते हैं वो इसके अंदर काम नहीं करता, क्योंकि ये उसको सपोर्ट नहीं करता। इसके अपने जो है वो अलग से जो स्पीड जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। अगर आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगाओगे तो पहले तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कुछ वीडियोज हैं वो 10 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद रिकॉर्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका। मैंने जो मेमोरी कार्ड इसके अंदर जो है वो यूज किया है वो है स्कैनडिस्क एक्सट्रीम प्रो UH3 जो मेमोरी कार्ड है, 64 GB का मैंने हाल ही परचेज किया था, और वो मैंने तकरीबन जो है वो 4,000 रुपये का परचेज किया था मेमोरी कार्ड। वो मैंने जब से इस पे लगाया है तो ये जो इशू आ रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग जो रुक जाती थी वो सॉल्व हो चुका है। तो मेमोरी कार्ड आपने जो अच्छे वाले जो मेमोरी कार्ड है जो HD वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज होते हैं वो आप इस्तेमाल करने हैं। ओवरऑल अभी तक का जो एक्सपीरियंस है DJI पॉकेट 2 यूज करने का अच्छा है, काफी 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड किए, मजीद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, डिटेल रिव्यू में दूंगा इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैमरे को एक्टिवेट कैसे करना है, तमाम चीजें जो है वो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल रिव्यू जो है मैं बहुत जल्द जो है वो देने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि ये कैमरा जो है कितने में लिया और कहाँ से लिया। देखिए ये कैमरा जो है मुझे मिला, ये मार्केट में बड़ा शॉर्ट है, मिल भी नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से जो है ये मुझे मिला है। मैंने ये लिया है सदर रीगल मार्केट से, मैं वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से 2 दुकानों पर ये अवेलेबल था, और जाहिर सी बात है जब ये शॉर्ट है मार्केट में तो वो अपनी जो है वो प्राइस लेते हैं। तो मुझे ये तकरीबन 95,000 में पड़ा है ये कैमरा, और इससे पहले इसकी जो प्राइस थी तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहले मैंने पता किया था तो 85 का था, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा समझ में लिए हैं क्योंकि शॉर्टेज है मार्केट में।